नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी 6 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पर गुड़ पहुंचेंगे और इस दौरान वे गोरखपुर के घंटाघर स्थित पांडे हाटा में पिछले कई वर्षों से किए जा रहे होलिका दहन शोभा यात्रा में शिरकत भी करेंगे और अगले दिन भगवान नरसिंह की कई वर्षों से निकाली जा रही शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। बता दें आपको कि शोभा यात्रा में गोरखपुर के विभिन्न जगहों के हजारों की संख्या में आम जनमानस के साथ ही संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूल और अबीर गुलाल के साथ होली खेलते दिखेंगे आपको, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से लगातार अपनी रूटों पर गोरखपुर पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च कर सभी क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है। और इसी क्रम में आज गोरखपुर के जिलाधिकारी SSP और साथ ही बता दें कि SP सिटी के मौजूदगी में तमाम फोर्सों के साथ स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च निकाला गया और जमीन ही नहीं बल्कि आसमान से PM की बता दें कि सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके की CM की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ यहां पे पहुंचने वाले हैं और जिसको लेकर गोरखपुर में प्रशासन काफ़ी अलर्ट नज़र आ रही है और इस दौरान ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की रूट की नज़र रखी जा रही है और इस दौरान किस तरीके से उस दिन प्रशासन की तरफ से तैयारी की जाएगी इसको लेकर भी तमाम तरीके के दिशा निर्देश देते हुए नज़र आए हैं। और CM योगी आदित्यनाथ बता दें कि गोरखपुर दौरे पर आने वाले हैं और इसको लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। सर, आज ड्रोन उड़ाया गया आपके द्वारा, क्या होली के पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन एवं यहाँ पे होने वाले बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन्हीं सभी कार्यक्रमों को मद्देनजर रखते हुए आज जितनी भी छतें पांडे हाटा क्षेत्र एवं घंटाघर क्षेत्र में और जो होली के जुलूस हैं, महत्वपूर्ण जुलूस हैं, उन जुलूसों का जो रूट है, उन रूट पे कोई किसी प्रकार का कोई ईंट पत्थर या कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री ना रखी हो, उसके लिए ड्रोन का सर्वे करवाया गया है। यह सर्वे विभिन्न जगहों से किया जाएगा, अभी घंटाघर से किया गया है, फिर राजघाट थाने से एवं पांडे हाटा चौकी के पास से भी नॉर्मल से भी ये किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य किसी की भी छत पर किसी प्रकार का कुछ फोटोज लिए गए हैं, जिसमें बहुत सारी ईंट पत्थर लोगों के घरों पर रखे गए हैं, उनको हटाने के लिए निर्देश दिया जाएगा और रात भर में वो ईंट पत्थर हटवा लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जोधपुर मंडवा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरिफ से मुलाकात की बात कही। दरअसल बता दें कि अखिलेश यादव अमेठी पहुंचकर आरिफ से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा था कि सारस पक्षी के महत्व को लेकर लोगों में अच्छा संदेश काफ़ी सराहनीय है। वहीं अखिलेश यादव के साथ ही विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता सपा के मौजूद दिखे हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने नगर पंचायतों को एकत्र होने वाले कड़े और साथ ही काम में लाने के लिए नगर में मटेरियल रिकवरी यूनिट का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर किया है। बाराबंकी के आदेश बता दें कि आदर्श नगर पंचायत सदधौर में बता दें कि अधिकारी पंकज श्रीवास्तव के सक्रिय की उत्कृष्ट मशीनों के साथ ही निर्माण पूरा होने पर मंगलवार को बाराबंकी सांसद उपेंद्र रावत द्वारा फीता काट कर अलग अलग मशीनों को संचालित कर यूनिट का उद्घाटन किया गया है। इस यूनिट में लोगों को क्या लाभ होगा इसके बारे में भी उपस्थित नगर के लोगों को जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम में चेयरमैन प्रतिनिधि समेत नगर सभासद, नगर कर्मचारी और साथ ही BJP कार्यकर्ता, नगरवासी भी शामिल रहे हैं। नगर पंचायत जैतपुर में बता दें कि HDFC बैंक का आज उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में MLC अंगद सिंह पहुंचे और जहां पर उन्होंने फीता काटकर बैंक कार्यों का शुभारंभ किया है। इस मौके पर बता दें कि MLC अंगद सिंह ने कहा है कि बैंक के खुलने से क्षेत्र लोगों की जरूरत के हिसाब से जरूरी चीजें पूरी होंगी और साथ ही क्षेत्र में बैंक के खुलने से बिजनेस और व्यापार में भी बढ़ोतरी आएंगी। इस अवसर पर BJP के वरिष्ठ नेता अमरीश रावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे हैं। बैंक खुलने से क्या होता है कि यहाँ क्षेत्र में खुशहाली आती है,
लोगों की जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है या बड़ी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, क्योंकि बैंकों पे इतना लोड है। सरकारी योजनाएं भी सब बैंक में आ रही हैं, सरकारी जो बैंक्स हैं हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ये सब बैंक आने से ये सर्विस इतनी अच्छी देती है कि लोग ऑटोमेटिक यहाँ पर आएंगे और लोगों का जो बिजनेस है, व्यापार है, और स्पीड में आगे चलेगा। अब दुनिया बहुत बदल रही है, प्रदेश बदल रहा है, बहुत आगे जा चुका है, उसके लिए इस टाइप के जो बैंक्स हैं वो छोटे क्षेत्रों में आ जाएंगे, रिमोट एरिया में, तभी उसका विकास सही मायने में, जो प्रदेश और देश का विकास है, क्षेत्र का विकास, तभी संभव है। बाराबंकी में जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर और मरीजों के इलाज के नाम पर जमकर वसूली चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर 21 का वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला नर्स द्वारा बताया जा रहा है कि बता दें कि 21 रुपये भी कम है, और साथ ही इसके अधिकारी और ऊपर के भी बल के अधिकारियों से भी पैसा लिया जाता है। वही बता दें कि इधर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिससे जिला महिला अस्पताल में इस वसूली से बाराबंकी स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन ने हड़कंप मच गई है। उत्तर प्रदेश के जिला कॉलेज के बाद से करने वाले योगी सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और एक कलेक्टर में अब तक कोई भी लगाम नहीं लग पाई है। बाराबंकी में इन दिनों बच्चों के इलाज के नाम पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट अस्पताल बता दें कि परिजनों के साथ लाखों रुपए की वसूली करता नजर आया है। बता दें कि साथ ही मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी यहां पर किया जा रहा है। बाराबंकी जनपद के पुलिस लाइन चौराहे पर स्थित अवैध चाइल्ड एकेडमी में एक मासूम बच्चे का इलाज पिछले एक महीने से लगातार किया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट में नॉर्मल बच्चा था, फिर भी बच्चे को गलत इंजेक्शन लगने से उसकी मौत हो गई है। बता दें इधर परिजन का रो रो का बुरा हाल है। पीड़ित परिवार ने मृतक बच्चों की बता दें कि मां शबनम बानो ने बताया है कि इससे नवजात बच्चों के दिल में 4 mm का हल्का फुल्का छेद था, जिसको लेकर आवाज चिल्ड्रन एकेडमी अस्पताल में एक महीने से भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने जांच की रिपोर्ट से सब नॉर्मल आया बताया है। वहीं अस्पताल प्रबंधक द्वारा बताया गया है कि बच्चा ठीक है, जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा, और साथ ही पिछले एक महीने से लगातार इलाज किया जा रहा था। एक महीने पहले ही बच्चे के इलाज के लिए अवैध बता दें कि चिल्ड्रन एकेडमी में भर्ती कराया गया, और साथ ही जहां पर सारी रिपोर्ट्स पिछले 3 दिन पहले तक नॉर्मल दिखाई जा रही थी, और डॉक्टर ने बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि आपका बच्चा ठीक है, इसके बाद भी 3 दिन पहले डॉक्टर साहब द्वारा बच्चों को इंजेक्शन लगाया गया, जिसमें बच्चे की उस इंजेक्शन के कारण मौत हो गई है, और बच्चे की डेड बॉडी मृतक की माँ को सौंपी गई है। साथ ही बता दें कि बॉडी पत्थर की तरह बनी हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर परिजन जो है लगातार डॉक्टर पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खाली दिल में छेद था 4 mm का, और हमारे भैया के जांच के ऊपर जांच के ऊपर जांच, सारी जांचें नॉर्मल आए, पता नहीं कौन सा ये ट्रीटमेंट कर रहे थे एक महीने से। उसके बाद में पैसा लेते गए, एक महीना हो गया दिलासा देते रहे, तुम्हारा भैया अब व्यक्ति है, तुम्हारा भैया बहुत अच्छा है, हम यही इसी तरह दिलासा देते रहें और पैसा घसीटते रहें। 2.5 से 3 लाख रुपए ले चुके हमारे भैया को, कुछ अभी तक खाली आज जो है पत्थर बना के हमको दे दी ने। जहां सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून और बाराबंकी के बता दें कि तेज तरार ईमानदार न्यायप्रिय पुलिस जो है अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह अपने अधीनस्थों को महिलाओं की सुरक्षा को समय पर निश्चित करने रहने की बात कहते हुए नजर आते हैं, और साथ ही सरकार भी तमाम तरीके की बात कहती हुई नजर आती है। तो वहीं एक महिला मुख्यमंत्री योगी बाबा की सरकार में वीडियो वायरल कर अपनी और अपने पति की जान की भीख मांगती हुई नजर आई है। इस महिला की गलती बस इतनी है कि इसने अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुन लिया, और साथ ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूर्ण विधि विधान से अग्नि के साथ फेरे ले लिए। फिलहाल संविधान के अनुसार बालिक लड़के और लड़की अपने स्वदेश बता दें कि सुरक्षा अनुसार
अपना जीवन साथी बता दें कि चुनते हैं, और साथ ही बता दें कि मर्जी के मुताबिक ही जीवन जीने के आधारित होते हैं। वही वीडियो के सामने आने के बाद से प्रशासन से ये महिला लगातार गुहार लगाती हुई नजर आई थी और लगातार अपने ही परिजनों पर जान से मारने की धमकी को लेकर बातें साझा करती हुई नजर आई थी। मेरी उम्र 19 साल है, मैं उनसे बात करती थी, हमारे घर वाले देख लिए तो हमें मारे पीटे घर से निकाल दिए। हम बार बार आ रहे थे, हमें घर के अंदर आने नहीं दिए, घर से भगा दिए। तो हमने सारी रात इधर उधर है, हमें फ़ोन मिला तो हमने इनको फ़ोन किया, तो हमें लेके गए। और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं अब इनसे शादी कर ली हूँ। और हमारे घर वाले ने, सुकुमार सिंह ने, मेरे भाई वीर सिंह ने धमकी दी है इनके घर वालों को कि और हमको जान से मारने की। और अब हम शादी कर लिए हैं, हमें साथ साथ रहने दें, हमें परेशान ना करें। और बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, इनके घर वालों को परेशान कर रहे हैं बार, और हमें रहने दें साथ, हम खुश हैं इनके साथ। और हम चाहते हैं अब कि हमें और इनके परिवार वालों को परेशान ना किया जाए, हमें खुशी से रहने दें। और दोनों को या इनके परिवार को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार शिवकुमार सिंह मेरे पिता और मेरा भाई वीर सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाए। जनपद बदायूं के बसौली क्षेत्र में परिवहन अधिकारी रमेश प्रजापति ने छापा की छापेमारी कर नियम के विरुद्ध रोड पर दौड़ रही ओवरलोड 3 वाहन को सीज किया है और 9 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि लगातार परिवहन अधिकारी के द्वारा रोड पर छापेमारी की जाती है और लगातार नियमों के विरुद्ध रोड पर दौड़ रहे वाहन को सीज किए जाते हैं और चालानी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरलोड वाहन की संख्या रोड पर अत्यधिक देखने को मिल रही है। वहीं आज परिवहन अधिकारी रमेश प्रजापति ने बसौली क्षेत्र में सुबह से ही छापेमारी करना शुरू किया और इस दौरान कार्रवाई करते हुए उन्होंने कई वाहनों को रोके हैं, कई वाहनों को सीज करते नजर आए हैं, दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए हैं। और साथ ही बता दें कि लगातार वाहनों पर लेकर प्रशासन काफी एक्शन मूड में नजर आ रही है। देखिए, सरकार के निर्देश पर जो भी नियम विरुद्ध वाहन संचालित हो रहे हैं उनके विरुद्ध सतत कार्रवाई के लिए जनपद में 2 प्रवर्तन दल तैनात किए गए हैं। एक प्रवर्तन दल की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है और उसके तहत हमने आज इधर बिसौली में नियम विरुद्ध संचालित 15 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें से 5 वाहनों को स्थानीय में सीज किया गया है और 50,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। आगे भी यह कार्रवाई चलती रहेगी। सभी लोगों से अपील है कि वो नियमों का पालन करें, चालान से भी बचें और अपने जान माल की सुरक्षा भी करें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जनपद एटा में बता दें कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में बच्चा वार्ड में इलाज करा रहे HIV संक्रमित बच्चे को लगाए जा रहे इंजेक्शन से वहां पर इलाज करा रहे अन्य बच्चों को भी इंजेक्शन लगाने पर हंगामा खड़ा करते हुए परिजन नजर आए हैं। और बता दें कि अन्य पेशेंट बच्चे में HIV संक्रमित की आशंका को देखते हुए पेशेंट बच्ची की माता पिता ने जमकर हंगामा काटा है। मेडिकल कॉलेज के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी कराई गई है और बता दें कि इस दौरान मेडिकल कॉलेज में अन्य बच्चे में HIV संक्रमित की आशंका के चलते उन्हें डोज भी दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का एक मामला सामने आया है जिसमें उनके पेरेंट का आरोप है कि बच्चे का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था और इन्फेक्टेड सुई की वजह से, जो है लापरवाही की वजह से, उसका बच्चा HIV संक्रमित हो गया। हालांकि DM को शिकायत भी की है, तो क्या मामला संज्ञान में आया, आपको क्या चल रहा है? अभी शिकायत मीडिया द्वारा और कुछ लोगों द्वारा बताया गया, लेकिन जो है बड़े सख्त निर्देश शासन की तरफ से भी है और जिलाधिकारी महोदय और अन्य जगहों से भी बहुत सख्त निर्देश है कि जो सिरिंज है, डिस्पोजेबल सिरिंज का ही यूज हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत है तो उसकी हम लोग पूरी तरह से जाँच कराएंगे और जो भी होगा उसके बाद जाँच के अनुसार जो भी बात आती है फिर आगे कार्रवाई होगी।
यूपी सरकार के मंशानुसार लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए होली के त्यौहार के मद्देनजर आबकारी विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ ही संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र में होली के त्यौहार पर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रविवार की शाम को आबकारी विभाग और थाना टुंडला पुलिस ने संयुक्त रूप से शराब की दुकानदारों में चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान बता दें कि आबकारी अधिकारी अशोक कुमार की मौजूदगी में चलाया गया। चेकिंग के दौरान नगर के करीब आधा दर्जन दुकानें चेक किए गए हैं और जिसमें स्टॉक को लेकर सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की गई। सर, शराब के ठेकों पर जो चेकिंग की गई, किस तरह की कार्रवाई है? ये आगामी जो त्यौहार है होली का त्यौहार, उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए कि होली के समय सेल बढ़ जाती है और जो ग्राहक हैं उनको उन्नत श्रेणी का स्टॉक मिल सके, शराब मिल सके और सेल्समैनों के स्तर पे या अन्य स्तर पे कोई गड़बड़ी ना हो सके। कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और साथ ही पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा आगामी त्यौहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दीप्तगढ़ थाना ढोलना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महावर और साथ ही कासगंज शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान होलिका दहन और साथ ही स्थानीय का भी तमाम जगहों का भ्रमण किया गया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उच्च अधिकारियों द्वारा आम जनमानस से त्यौहार पर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने को लेकर और शांतिपूर्ण तरीकों से त्यौहार मनाने की अपील की गई। साथ ही सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर कासगंज पुलिस द्वारा पैनी नजर रखती हुई नजर आ रही है, जो अराजक तत्व है फैलाने की कोशिश करेंगे उसके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आएगी। यूपी के पीलीभीत जनपद में होली के त्यौहार को लेकर बाजार गुलजार हो गया है। बता दें कि हर तरफ रंगों भरे दुकान सजे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बाजारों में भगवा रंग गुलाल के साथ काफी मांग पर नजर आ रहा है। साथ ही तमाम तरह के बच्चों की पिचकारियां और मुखौटों की दुकान भी नजर आ रही है और प्यार भरे रंगों के इस त्यौहार होली में रंग गुलाल बिखेरेंगे के साथ ही नेचुरल फूलों से बने रंगों की भी मार्केटिंग होती हुई खूब नजर आ रही है। लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना पसंद कर रहे हैं। पीलीभीत में भी वृंदावन कहा जाता है और साथ ही होली के त्यौहार को लेकर जिला प्रशासन भी त्यौहार की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि इस बार बाजारों में चाइनीज पिचकारी की जगह देसी पिचकारी देखने को मिल रही है। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की पिचकारियां और मुखौटे बाजार में उपलब्ध है और इसके अलावा बाजारों में भगवा और केसरिया गुलाल भी लोगों को खूब भाता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई का भी कुछ असर देखने को मिला? बढ़ती महंगाई की तरफ महंगाई बढ़ रही है। देखिए, हर चीज को देखते हुए महंगाई तो देखिए, अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की कमाई भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि अगर महंगाई बढ़ी है, हम तो नहीं कहेंगे महंगाई बढ़ी हुई है। और देखिए, हर चीज़ बढ़ती तो है ही, लेबर बढ़ती है, लेबर की कॉस्टिंग बढ़ती है, डीजल बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, उसके साथ बहुत सी चीज़ जुड़ी हुई। बिजनौर में 3 मार्च को मासूम बच्चे की हुई हत्या में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी नशेड़ी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या पर खंडर में फेंकी गई बच्चे की शव को भी बरामद करती हुई पुलिस नजर आई है। आपको बता दें कि मासूम बच्चा 5 साल का बताया जा रहा था, जिसकी मौत हो गई। अब 3 तारीख को अभी शाम को 6:30 बजे करीब 5 वर्षीय एक बच्ची की निर्मम हत्या करके उसको शव को खंडहर में बरामद किया गया था। 3 टीमें हमारी तत्काल गठित की गई थी। प्रभारी निरीक्षक किरतपुर और स्वाट सर्विलांस की टीम ने अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। अभियुक्त जो कि उसी कस्बे का रहने वाला है, यहाँ अपने मामा के घर रहता था, उसके द्वारा यह कृत्य कारित किया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद की गई है। घटना का खुलासा करने वाली टीम पर पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद प्रक्षेत्र के द्वारा 50,000 का नगद इनाम घोषित किया गया है।
बलरामपुर जिले के हरैया बता दें कि सदघरवा थाना क्षेत्र के मणिपुर बदौलिया मार्ग पे बता दें कि नौगजा जंगल के पास बाइक सवार और साइकिल सवार की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय पुलिस द्वारा एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां थाना अध्यक्ष हरैया अखिलेश कुमार पांडे ने बताया है कि बाइक सवार अशोक कुमार 25 वर्ष ने बता दें कि साइकिल सवार बच्चे को बता दें कि 60 वर्ष के एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। झांसी के सपा नेता पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल सपा नेता के दिग्गज नेता के करीबी केशभान पटेल पर एक महिला अधिवक्ता ने दुष्कर्म, जान से मारने की और कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आई है और सपा नेता के खिलाफ अर्नबाद थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया है। फिरोजाबाद में अपने पति और भाई के साथ बाइक सवार मायके जा रहे नवविवाहिता पति ने बता दें कि पल्सर सवार 3 बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लाखों की आभूषण से लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसे पीड़ित परिवार के साथ ही थाने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने घटना की लिखित शिकायत कराई। शिकायत मिलने के बाद ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और घटना फिरोजाबाद थाना क्षेत्र के शिकोहाबाद क्षेत्र स्थित गाँव जिजमाई के पास का बताया जा रहा है, जहाँ पर लगातार बता दें कि इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से परिजन जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और पुलिस लगातार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। सुखबीर है। सुखबीर जी, क्या घटना हुई है? घटना यही है, मेरा बेटा जो है अपनी बहू को लिवा के अपनी मायके करने जा रहा था, बहू को तो अपनी सारी फूल चीज पहरा के जा रहा था, और मतलब 8 अंगूठी और एक मंगलसूत्र, एक लर और 4 चूड़ी, कॉलर, बिजली और मतलब बहुत चीज़ है, काफ़ी चीज़ पहन के जो नहर की पटरी जा रहा था बहू छोड़ने के लिए। और 3 लोग आए अपाचे पर, बिन लोगों ने मतलब आगे अपाचे लगा के बच्चा पे मेरी तमंचा लगा दिया था और सारी चीज उतार ले गए और गाड़ी की चाबी खींच ले गए मेरी की, और मेरे बच्चे को जो है मोबाइल फोन से छीन ले गए। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, पुलिस को अभी FIR करा दी हमने। मतलब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।